ब्राह्मण के रूप में भगवान अर्जुन के लेके गेलन हैं। महादानी करण की जय हो, महाबली करण की जय हो। करण की आंखें खुल गई, सामने दो ब्राह्मण खड़े हैं। कहीं ये कैसे आना हुआ, भगवान कन्हैया ब्राह्मण के रूप में रहलन। हमार दूठे लड़की सियान हो गई, बड़ी गरीब ब्राह्मण, रुपया नहीं बाकी बिटियन के ब्याह करी। सुने हैं करण बड़े धानी हो, कुछ दान दे देता भैया। करण के आंख में आंसू भर आया, अईबो कैला महाराज तो मरे के समय का दे, चल जा हमरी घरे। कहा करण की घरवाली, हमर हौवी बहुत दानी हो, रुपया पैसा दे दी है या दी है सोना चांदी हो। हम ना जाई भवन वदन मांगे ले, आ देना हो तो दे दो कुछ हथन वदन मांगे ले। का दे ब्राह्मण देवता, चल जा हमरी घरे, हमार मेहरारू बाप, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी दे दे, तुम्हारी बिटियन के ब्याह हो जाई। कहला भगवान की करण की, आप बकवास कर रहे हो यार, हम तुम्हारे हाथ से दान लेने के लिए आए हैं, देना है तो अपने हाथ से दे वरना इनकार करो, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। सुचलस करण की जिंदगी पर सोना दान कैली, हम मरे के समय दूगो बाभन, खाली हाथ चल जाए जिंदगी भर के दान कैल सोना ही बेकार बा। प्रमाण मिलता है आप लोग बतावे ला किताब में लिखल बाम कि करण का 3200 दांत सोने का था। आए है है बारे महाभारत का महाबली दानी करण, ये दांत बेकार हो जाई। दिलावर यादव सुनई बरथरा से 200 रुपए का पुरस्कार, माला भैया के बहुत बहुत प्रणाम बाप। रमेश के पिताजी श्याम नारायण यादव भैया कैथापुर से 100 रुपया के पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बाप। सामने वो पत्थर के टुकड़ा लौकल, करण कहलस के महाराज तनी पत्थर के टुकड़ा उठा के दे दा, अपन दांत तोर के दे दे। भगवान कहलक करण क्या ये बकवास मजाक कर रहे हो, देना है तो अपने हाथ से तोड़ करके दे। बारे बहादुर करण भा, चलना जात बा गिरा हुआ है, जमीन पर लपेटत उल्टत पलटत उठा लिया उस पत्थर के टुकड़े को और चला करके तोड़ दिया अपना 3200 दांत। उस समय का भाव कवि ने लिखा है, अरे उलट पलट कर पत्थर का उठवल तोड़ के 3200 दांत दिया। सफल होई दान हो तो हाथ, तोड़ अपना 3200 दांत देने लगा भगवान कन्हैया को। कहा माधव मुकुंद मुरली वाले कन्हैया ने, दान तुम ठीक दे रहे हो करण, लेकिन यह झूठा दान है, इसमें खून लगा है, मवाद लगा है, देना है तो पानी से साफ करके दो। ओ हो, कहां मिलेगा कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 हाथ गहरी खून की नदी बह रही थी, थोड़ा भी हिम्मत नहीं हारा वह करण। ये बाबू उठाव से अपनी धनु ही असर तवन, अनंतान के धरती में दिल बटमा, अन निकली पताल गंगा फाड़ के धरती
लिखा है बायां हाथ से धनुष के ओठ में सटौले बा करम, एक ही हाथ से प्रतिज्ञा पर बाण चला करके मारा है। पताल गंगा हर 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 करते हुए निकल गई। गंगा जी के जल में दांत को धो करके देता है भगवान कन्हैया के हाथों में। प्रकट हो गए माधव मुकुंद मुरली वाले कन्हैया। श्री ओम प्रकाश यादव जी ग्राम पंचायत उकथी से ये सुंदर साफा 500 रुपया दे करके आपने सम्मानित किया। भैया को प्रणाम करता हूं। और हमारे विजय भैया तेवर से 100 रुपया और श्रीनाथ भैया तेवर परीक्षा से 500 रुपया लाल जी पहलवान के अखाड़े से उनके बड़े भैया हैं। बहुत बहुत आपको मैं प्रणाम करता हूं। सबके नमस्कार प्रणाम। दिन लगा भगवान कन्हैया के हाथों में प्रकट हो गए। भगवान कन्हैया कहते हैं कर्ण बड़ी कठिन परीक्षा लिया मैं तेरी, माफ कर देना हमें, अब हमसे कुछ वरदान मांग लो। कर्ण के आंख में आंसू भरे आया, प्रभु आपके मर्जी के बिना महाभारत में कुछ हुआ नहीं। का हमके वरदान देव तोहरे चरण के दर्शन मिल गए प्रभु, अब हमके चले दा। बहुत दर्द हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा नहीं करो, दर्शन दिया तो कुछ भी मांग ले, कहो तो हमारी बांह को जुटा देता हूं। जय मैदान में कोई भाई कलाल तुम्हारे बाल बांके नहीं कर सकता है। कलश प्रभु बहुत कुछ दुर्दिन देखा महाभारत में, अब हम के चले था। कल दर्शन देनी तो कुछ मांग ले, कल जो मांग अब दे दे बा। कल ने वो मस्त मांगो। कर्ण के आंख में आंसू भरे आया, कल भगवान वरदान दे बत ही है, वरदान दे दे कि धरती पर हमें वो कुमार माई के तन से पैदा रहली। हमारी माई के बिना ना भैरल कुमारापन में हमार माई हमके पैदा करके सोने के संदूक में बंद कैके नदी में ले जाके बहवा दियलस। राधा नाव के मलाही नधीरथ नाम के मल्ला जवन बाज बाजिन रहलन नदी में पवलन ले अलन ओके खुललन। अपन बेटा बना के हमार पालन पोषण कैलन प्रभु, वरदान देना चाहते यह वरदान दे दग कि कुंवर माई के तन से पैदा रही हमारी मरला की बात ये धरती पर कहीं कुंवर जमीन मिले कोर जमीन मिले वही कोर जमीन पे ले जाकर के मेरी लाश को जला दीजिएगा। यही कह करके दम तोड़ दिया करण भगवान कन्हैया करण के लाश के कंधा पर उठौला है ले करके निकल पड़े संसार जहान में। आखिरी लाइन है हारमोनियम पे बच्चा, यानी हारमोनियम पे बढ़ा दे और थोड़ा सा करण दुलार कलसिया
ना मिलल। सोचना भगवान हमरे वरदान दिहल फेल हो जाई का। मन में मोहन करे यकीन, वारी पाए नहीं जमीन रामा, शरण दुलार के लड़िया। अरे ये नदी तापी के किनार हो, अरे दुलार के लड़िया। घुमत घुमत आइला भगवान वही गुजरात प्रांत में। हमरे पप्पू भैया अब एकरे बाद जन्म हो जाए, एकरे बाद सोहर हो जाए। ये 200 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। ताप्ती नदी के किनारे सोच गई ना कोर जमीन मिल गई। वो कितनी जमीन मिलल, दिल भर धरती मिले नोकीली, सुई डाल के रखे हथेली रामा, शरण दुलार के लचिया। कर पकई लचीता तैयार हो, शरण दुलार के के बराबर जमीन कैसे करें। कैलाश के जलाई सुई गाड़ के, सुई के नोक पर अपन हाथ रखलन, चिता सजौलन, करें कैलाश को जलाते हैं। कहते अर्जुन देख लिया, यही दानियों में महादानी, वीरों में महावीर और भक्तों में मेरा परम भक्त करण था, बहादुर था करण, कौरों का नमक खाया था। नमक खाया तो शरीयत दिया। आजकल जमाना में लोग जो ने पतल में खाए तो वही पतल में छेद करे थे। कल अर्जुन धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। पांडव धर्म के तरफ थे, कौरों और धर्म के तरफ थे। दुर्योधन ने इसे अंग देश का राजा बनाया था। कौरों की तरफ से लड़ना इसकी मजबूरी थी। अर्जुन के घमंड टूटल और ये जेट म्यूजिक। अच्छा चला कुछ दियलन, ये तो बेचारू दो बार कुछ देबो कैल। हां लेकिन है और लोग कहां वाला हो चला। नहीं है दिलन। अच्छा चला कमालो फला फूला, लेकिन कलाकारन के बेइज्जती ना हो। भैया की ओर से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। अर्जुन का घमंड टूटा और भारत के इतिहास में बहुत लोग दानी हुए। दानी हरिसेन, दानी सिबी, दानी मोरध्वज, लेकिन एक ही व्यक्ति को दान वीर करण कहा गया। दानी भी था और वीर भी था, इसलिए करण को दान वीर करण कहा गया। अर्जुन को शर्मिंदा होना पड़ा। ये राम महाभारत के महाबली करण का इतिहास। कुसुम पराग देव राम, पसारे जादू के पैगाम।